नमस्कार। बड़े सपने पूरा होने में बड़ा समय भी लगता है। याद करिए मई 2014 का चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद से ही कांग्रेस, सपा और बसपा के छोटे बड़े नेताओं ने ये चिल्लाते हुए एक सुनियोजित हंगामा हुड़दंग शुरू किया था कि काशी क्योटो कब बनेगा। क्या काशी क्योटो बन गया? जबकि ये सारे दल, विशेषकर समाजवादी पार्टी, इस सच्चाई से भलीभांति परिचित थे कि मई 2014 में प्रधानमंत्री बन जाने के बावजूद भी अगले 3 सालों यानी कि मार्च 2017 तक नरेंद्र मोदी काशी के लिए कुछ विशेष नहीं कर सके थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की ब्लैक लिस्ट में काशी सबसे ऊपर था। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा उन 3 वर्षों के दौरान मिली प्रचुर राशि के बावजूद की गई नमामि गंगे अभियान की प्रचंड उपेक्षा उसका ज्वलंत प्रमाण, शर्मनाक उदाहरण है। उन 3 वर्षों के दौरान केवल केंद्र सरकार से संबंधित विभागों और मंत्रालयों के ही कुछ कार्य काशी में हो सके थे। अतः 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, सपा, बसपा ने पूरी ताकत से वही हंगामा हुड़दंग शुरू किया था कि काशी क्योटो कब बनेगा, क्या काशी क्योटो बन गया। लेकिन काशी की प्रबुद्ध जनता चुपचाप सब कुछ देख, सुन और समझ रही थी। विधानसभा चुनाव में उसने कांग्रेस, सपा, बसपा का सूपड़ा साफ कर दिया था। 2019 में पुनः उन तीनों दलों की जमानत जब्त करा के काशी ने कठोर दंड दिया था। आज 4.5 साल बाद उसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम सार्वजनिक रूप से दिखने लगा है। आज स्वच्छ दमकती माँ गंगा की गोद में इठलाते जिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रूज, सीएनजी से चलती नावें, विश्व स्तर के कन्वेंशन सेंटर, अत्याधुनिक मैटरनिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, वो पिछले 4.5 सालों के दौरान वाराणसी द्वारा तय की जा चुकी विकास यात्रा का चेहरा मात्र है। और ये मैसेज दे रहे हैं कि काशी अभी क्योटो भले ही न बन सकी है, लेकिन क्योटो बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ जरूर रही है। इसी गति, इसी दिशा में काशी की विकास यात्रा अगर चलती रही तो काशी क्योटो के समकक्ष खड़ी हुई अवश्य दिखाई देगी। इसमें कुछ वर्षों या अधिकतम 1 दशक का समय और लग सकता है, क्योंकि बड़े सपने पूरा होने में बड़ा समय भी लगता है। मेरे लिए काशी की यह विकास यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है। इसके बजाय काशी की यह विकास यात्रा मेरे लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देवाधिदेव महादेव की हजारों वर्ष पुरानी विख्यात नगरी है। पूरी दुनिया से काशी आने वाले पर्यटकों के लिए काशी हिंदू धर्म, हजारों वर्ष प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति का चेहरा है, प्रतीक है। अतः काशी की यह ऐतिहासिक विकास यात्रा केवल काशी के नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में रहने वाले धर्मनिष्ठ हिंदू के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।